हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए डिटेल कंपैरिजन लाया हूँ यामा FZS वर्जन 4 वर्सेस यामा FZS DLX वेरिएंट का। सो इस वीडियो में डिटेल में कंपेयर करेंगे दोनों बाइक को कि दोनों बाइक में क्या है बड़ा डिफरेंस। सो दोनों बाइक आपके सामने खड़ी हैं, डिज़ाइन वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं मेजर डिफरेंस की। सो भाई, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है ना, वो अलॉय व्हील कलर्स का है। सो आपको मैट ब्लू, मैट ब्लैक में मिलता है ब्लैक कलर का अलॉय व्हील, जो कि वर्जन 4 है। और यहाँ पर ये DLX वेरिएंट है, जहाँ पर आपको गोल्डन अलॉय व्हील मिल जाते हैं। और एक इसका जो ग्रे कलर है, वहाँ पर आपको पर्पल अलॉय व्हील मिल जाते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस की। सो यहाँ पर आपको ग्लोसी फिनिश मिल जाता है कंप्लीट बॉडी कलर, उसी के साथ साथ यहाँ पर ये ब्लू मैट कलर मिल जाता है। यहाँ पर ये ग्लोसी फिनिश है जो शाइन करता है, मैट फिनिश आपको सोबर लुक देता है। अगर बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंस की, सो यहाँ पर आपको सीट रेड मिल जाती है, यहाँ पर आपको ब्लैक मिल जाती है। यहाँ पर ऑलरेडी सीट कवर को इंस्टॉल किया गया है, बट यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ पर आपको कवर मिल जाएगा, वो एक्सेसरी का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और अगर बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको सेम मिलता है। प्राइसिंग की बात करें दोनों में क्या है डिफरेंस, सो ओनली 500 का डिफरेंस है। सो एक्स शोरूम दिल्ली आपको मिलता है यामा FZS वर्जन 4 मैट ब्लू 28,900। वहीं पर अगर हम बात करें DLX वेरिएंट की, वो आपको मिलता है 29,400 एक्स शोरूम दिल्ली। सो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का फर्क है। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद आ रही है। यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पर आप कुछ बड़ा आपको डिफरेंस मिलने वाला है कि स्पेसिफिकेशन या फीचर्स। सो बेसिकली कलर अलॉय व्हील, कलर बॉडी पेंट, कलर सीट, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। चॉइस आपकी है कि आपको कौन सी पसंद आती है। सो ये था एक छोटा सा डिफरेंस यामा FZS वर्जन 4 वर्सेस DLX। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।